नमस्ते आप सभी को, आप सभी का एलसी ऑफिशियल कुकिंग में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग के आटे और आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी कि आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा फ्रेंड सर्कल में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 1 कप के लगभग मूंग के दाल का आटा लिया हुआ है। आप इसके जगह पे बेसन भी ले सकते हैं चने का, लेकिन मैंने यहाँ मूंग के आटे का बेसन ही लिया है। मैं इसमें अभी 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डालती हूँ, 1 चम्मच के लगभग अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा हींग डालूँगी, 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच के लगभग चाट मसाला डालूंगी, स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करने का है। इसको पानी डालने के बाद इसको 5 मिनट तक ऐसे हम फेंटेंगे। देखिए फेंट के हो गया है, इसको 5 मिनट तक ऐसे फेंटे, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको तब तक फेंटे जब तक ये थोड़ा सा पानी लेके इसमें 1 बूंद आप गिराएंगे तो तैरने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि बेसन हो चुका है। देखिए इसका ज़्यादा पतला इसको नहीं करने का है, ऐसे ही रहना चाहिए। हो चुका है, मैंने यहाँ 2 आलू को अच्छे से छील के धो के अच्छा पतला पतला मैंने वो वेफर और चिप्स के कटर से उसको बारीक बारीक ऐसे करके लिया। आप चाहें तो, आपके पास नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं, मैंने इसे ही किया है। इसको मैंने पानी में डाल दिया है ताकि ये लाल न पड़े। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ बेसन का घोल बना के जो रखा है इसमें मैं ऐसे आलू के जो स्लाइस करके रखा हुआ है वो तो अच्छे से पहले हम चारों तरफ पूरा ऊपर से नीचे अच्छे से हम लगा लेंगे इसको, उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, अब एक एक करके ऐसे हम उसमें डाल दिए जाएंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रहना चाहिए लेकिन तेल एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए ताकि फटाफट हो जाए। गैस का फ्लेम स्लो रखूँगा तो हम जितना आ सकता है इसमें सारा डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा एकदम फूला फूला ऐसा बन के तैयार हो रहा है। देखिए मूंग दाल का के आटे का है, हेल्दी भी है। इसको अभी स्लो फ्लेम पे ही रखती हूँ, अभी हो चुका है इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे हम चारा बना के लेंगे। गर्मा गर्म भजिया बनके तैयार हो गया है मूंग के आटे का। देखिए एकदम फूला फूला पूरी के जैसा बना है। देखिए आप इसे चाय के साथ सुबह शाम आप इसको बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी है। आपको मेरे चैनल पे कम तेल और हेल्दी रेसिपी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलेंगी जो कि कम तेल में बनते हैं। आप ज़रूर एक बार एलसी ऑफिशियल कुकिंग पे जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और शेयर भी करिएगा फ्रेंड सर्कल में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।